नमस्कार, कैसे हो मेरे दर्शकों। सब कुशल मंगल हो गया ऐसी मंगल कामना करता हूँ। आइए आज इस दशक की सब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों से और एक अभिनेत्री के बारे में जानते हैं। 1932 से लेके 1972 तक जीवन के 40 वर्षों का ये कड़ा संघर्ष, गरीब घर में जन्म लेने के बाद फिर बहुत पैसा भी कमाया और अंततः उनकी अंतिम यात्रा के लिए भी लोगों ने पैसे जुटाए। कैसी थी यह अजीब दास्ता, आइए जानते हैं। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय मीना कुमारी जी के बारे में। उन्होंने अपने जीवन का सारा दर्द अपनी भूमिका में पिरोया था। घर में गरीबी के कारण पाठशाला जाने की उम्र में फिल्म स्टूडियो के दहलीज पर काम कर रही थी। बैजू बारवा, आजाद, कोहिनूर ऐसी फिल्मों में मीना कुमारी जी की मन लुभावनी उपस्थिति दर्शकों को बहुत भाई। मीना कुमारी जी जो छोटी मासूम नटखट प्यारी थी, उनमें एक अद्भुत मिठास थी। पर्दे पर विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करने में वो माहिर थी। उन्हें कुछ हास्य भूमिका भी मिली थी, लेकिन दर्शकों ने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनकी जो सीरियसनेस, गंभीर भावना थी, वही लोगों को उनके पास से अच्छी लगती थी। भाभी की चुड़िया इस मूवी में उनकी जो शालीनता थी, उनके माथे पे जो बड़ा कुमकुम था, उसको देखकर लोग बहुत ही इम्प्रेस हो चुके थे। वो लगभग हर भूमिका में फिट बैठते थे। दिल एक मंदिर, खास करके दिल एक मंदिर इस मूवी में इन्होंने जैसी भूमिका निभाई थी, वो दिल को हिलाने वाली थी। बीमार पति और उसका इलाज करने वाला पूर्व प्रेमी डॉक्टर, इन दोनों के बीच में फंसी हुई उनकी मन की अवस्था, मीना कुमारी जी ने इतनी बेहतरीन तरीके से उसे निभाया था कि लोगों के मन में उसकी छाप अब भी है। जब इंसान को इस बात का पता हो जाता है कि इस संसार में एक दिन हमें अलविदा होना पड़ेगा, तब वो अतीत को हर पल याद करता है और वो चाहता है कि अतीत में जिए हुए क्षण को फिर से एक बार जिए, उस सुनहरे पल को फिर से एक बार जिए। जिसके बाद वो सुकून से अनंत काल में विनीत हो जाए। मूवी का एक दर्द भरा गाना है, उसे मीना कुमारी जी ने इतनी बेखूबी से निभाया था कि यह देख के हमारे आंखों में आंसू आ जाए। उनकी जो भावनाएं थी, हमारे दिल को गहरी चोट पहुंचाती है। उनकी ये अमर कलाकृति कभी नहीं भूल पाएंगे। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला, आज चांद कुमारी जी के पाकिजा में साइबा नाम से जो भूमिका निभाई थी, वो भूमिका अब भी उनके चाहने वालों के दिल में बसी हुई है। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। साहब, बीबी, गुलाम उनकी अभिनय का सफलता का शिखर थी। छोटी बहू में तो वो लाजवाब थी। चित्रलेखा, बहू, बेगम, गजल, दिल अपना, प्रीत भराई, मैं चुप रहूंगी, शारदा, काजल ऐसी कई फिल्मों में अपनी गुणवत्ता पूर्व अभिनय से अपनी छाप छोड़ी थी। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। मीना कुमारी जी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। उन्होंने 1954 की फिल्म बैजू बावरा के लिए अपनी भूमिका के लिए सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री का किताब अपने नाम किया था। अगले ही वर्ष उन्होंने फिल्म परिणीता के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमिका का लगातार दूसरा पुरस्कार जीता था
और 1963 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए उनके ही 3 नॉमिनेशन मूवीज थी। उन्हें साहब बीवी और गुलाम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 1966 में उन्हें काजल के लिए अंतिम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। आलोचकों और उनके निजी जीवन के करीब से देखने वाले की राय थी कि साहब बीबी और गुलाम इस मूवी में उन्होंने अपने ही जीवन को प्रदर्शित किया था। 1953 में उन्होंने अपने से 15 साल बड़े निर्देशक कमाल अमरोही से शादी की थी। शुरुआती कुछ साल अच्छे गुजरे, लेकिन फिर दोनों के बीच में वैचारिक दूरी आ गई। 7 साल बाद 1960 में उनकी शादी तलाक के रूप में समाप्त हो गई। उन्होंने कई प्रलंबनों के आगे घुटने टेक दिए थे। 1964 में तलाक को कानूनी तरीके से पूरा किया गया और मीना कुमारी जी एक अवसाद में डूब गई। वह सुबह शाम शराब पीने लगी। मौसम है आशियाना, है दिल कहीं पे उनको, है ढूंढ लाना, है उनके व्यवहार पे कोई संयम ना बचा था। मीना कुमारी जी अपने जीवन में सांसारिक सुख चाहती थी, बच्चे चाहती, पारिवारिक खुशी चाहती थी, जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अजीब दास्तां है, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। और फिर से अपना जीवन शुरू करने के लिए उन्होंने क्षमा प्रार्थी संघर्ष शुरू किया। जब निजी जिंदगी में उन्हें प्यार नहीं मिला तो उन्होंने शराब को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त माना। जब भी मैं रुक जा राह ठहर जा रे चंदा ये गाना सुनता हूँ, मुझे लगता है काश मीना कुमारी जी और थोड़ी देर के लिए रुक जाती। पिया ऐसे जिया में समाई गये रे, कहने वाली उस आंखों को हमारे और भी नजरबंदी करने की। वो बेचैनी, उदासीनता और शालीनता के भावना को इतनी अच्छी तरह प्रदर्शित करती थी कि लोग उसे भूल नहीं सकेंगे। ऐसा लगता है उन्हें और अधिक समय हमारे साथ बिताना था। पाकिजा उनकी आखिरी मूवी थी। 1958 में पिक्चर की शुरुआत हुई थी और इसी बीच उनकी हालत खराब हो गई थी। निर्देशक या उनके पति कमाल अमरोही के साथ उनकी दूरी बढ़ गई थी। पाकिजा के प्रदर्शित होते ही 3 साल के बाद मीना कुमारी जी गंभीर रूप से बीमार गिर गई। 28 मार्च 1972 को वो सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती हो गई। वह 2 दिन के बाद कोमा में चली गई और 31 मार्च 1972 को उनकी मृत्यु हो गई। वह लगभग 40 साल की थी। पति के इच्छा के अनुसार उन्हें मासगांव के नारियलवाड़ी के रहमताबाद कब्रिस्तान में दफनाया गया। ऐसे अपना जीवन उन्होंने समाप्त कर दिया, लेकिन उनको इस बात का अफसोस नहीं था, इसलिए कहते कि एक अजीब दास्ता ही थी। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्ता है ये। मिलते हैं फिर कुछ और दिल की बात लेके, तब तक के लिए जय हिंद।